एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5A में क्या है वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि ये सब क्या है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हम इंट्रो में थोड़ा सा बताया था, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में हम बताएंगे एक और वीडियो में। इस वीडियो में इसका डिटेल्स नहीं देंगे, क्योंकि हर एक का एक्सप्लेनेशन जो है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाया है, वो अपलोड हो जाएगा। जो लोग अभी देख रहे हो उसको नहीं मिलेगा, विद इन 2 और 3 डेज वो अपलोड हो जाएगा। अब देखो, ये प्रॉपर्टीज जानना ना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टीज में क्या है, व्हेन AB प्लस BA इज डिवाइडेड बाय 11 द क्वोशेंट इक्वल्स टू A प्लस B। मतलब क्या है, AB और BA क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, 2 डिजिट का नंबर है। अगर एक डिजिट होगा A, दूसरे डिजिट होगा B, तो वो दो मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगल बगल में बैठेगा। ये जो है नंबर है AB, सोचो कि 37 है, तो ये उसका उल्टा होगा 73, ठीक है। वो अगर प्लस करके डिवाइड करेंगे 11 से तो क्वोशेंट आएगा A+B, ठीक है। बस अब यही याद रखो, और कुछ याद रखने का है नहीं, ये हम समझाएंगे। अब देखो, AB+BA जो है वो भी सेम टाइप का ही है। AB अगर होगा 23 तो BA होगा 32। वो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो, और उसका A+B मतलब 2 डिजिट से प्लस करके हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 11। ऐसा टाइप का ही है ये। ये भी वही सेम टाइप का है, ये एडिशन का है, ये सब्ट्रैक्शन का है, तो इसीलिए यहाँ पे दो कंडीशन आया, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब होता है तो तब ग्रेटर वन पहले रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो क्वेश्चन A-B होता है, तो A-B और A-B से डिवाइड होता है तो 9 आता है आंसर। बस कुछ नहीं है, इसका उल्टा ये है। अब ये जब होता है B-A, मतलब क्या है, उसका भी उल्टा, उसका भी रिवर्स फंक्शन, मतलब नेक्स्ट नंबर जो है वो अगर बड़ा हो गया तो ये होता है। और ये क्या है, ये 2 डिजिट का था, ये भी 2 डिजिट का था, यहां तक क्या आ गया, 3 डिजिट आ गया, ठीक है। यहां तक क्या आया, 3 डिजिट। 3 डिजिट मतलब क्या है, देखो ABC+BCA+CAB, ये अगर 11 11 11 से होता है डिवाइड तो क्वेश्चन होता है ये, और ये होता है तो A+B+C से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो बस यही होता है, ठीक है, 3 डिजिट के लिए। और ये एक अलग टाइप का है, जो अगर ABC+BCA+CAB मतलब इसी का ही उल्टा, मतलब ये सब ABC BCA CAB, ये क्या है, अगर यहाँ पे 273 होगा उसका सिर्फ जगह बदलेगा। देखो ABC का सिर्फ जगह बदले है, ठीक है, यहाँ पे भी वही। तो ABC BCA CAB क्या है, ऐसा टाइप का होगा, क्योंकि सी जो है यूनिट में, बी जो है टेंथ में, ए जो है 100 प्लेस में है, ठीक है। ये सब प्लेस है इसका, तो 100 × A+10B+C, मतलब एक्सपेंशन जैसा था हम इंट्रो वीडियो में बताया है, वहां पे देख लो तो थोड़ा सा समझने में इजी होगा, ठीक है। तो अगर ये होता है तो ये सब का अगर एडेड अप करते, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया तो ये आया, राइट हैंड साइड ऐड किया तो ये आया, ठीक है, क्योंकि 100 + 10 110 111, तो ये आएगा ये तीनों को प्लस करने से, ठीक है। फिर यहां से क्या किया हम, 111 कॉमन ले लो तो A+B+C साइड हो जाएगा। 111 का 37 × 3 होता है 111, तब क्या कोई रिमाइंडर नहीं होता है, ठीक है। 37 × 3 हम यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि तब कोई रिमाइंडर नहीं होता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है। अब देखो ये सब प्रॉपर्टीज है, ये तो हम जान लिए कि ये सब प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। अब बात ये है कि ये सब प्रॉपर्टीज सर सम्स कैसे बनाएंगे, है ना, वो जानना है। तो चलो अब डायरेक्टली एक्सरसाइज 5A में चलते हैं और सम्स बनाते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी से सम्स बनता है कि नहीं। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A क्लास 8 सेलिना। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वोशेंट व्हेन द सम ऑफ 73 एंड 37 इज डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम AB से देखा था, ठीक है, तो AB+BA तो 2 डिजिट का है, तो 73 में A क्या है, नंबर है 73, तो 7 को A ले लो और 3 को B ले लो, ठीक है, A भी ले लिए। और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ 73 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो हम लोगों का क्या है, वो नंबर 1 का 1 देखो, मतलब एकदम फर्स्ट बुलेट, हम लोगों का प्रॉपर्टी का फर्स्ट बुलेट क्या है, When AB+BA is divided by 11, the quotient क्या होता है A+B। तो quotient क्या होगा A+B, मतलब 7 + 3 = 10, directly answer आ जाएगा। लेकिन हमको थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखना है कि let A equals to 7, B equals to 3, कि नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो
क्या हो गया? AB = 73 एंड BA = क्या हो गया? 37। ठीक है, नाउ 73 + 37 = AB + BA। ठीक है, तो AB + BA क्या हो जाएगा? 73 + 37। अब वो वाला लाइन लिख दो कि कौन सा वाला जो क्वेश्चन में चाहिए, कि द क्वोशेंट व्हेन द सम ऑफ 73 एंड 37 ब्रैकेट में लिख दो AB + BA डिवाइडेड बाय 11, द क्वोशेंट व्हेन द सम ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 11 इज क्या हो जाएगा? 7 + 3 = 10। अब क्या वो वाला ब्रैकेट में ये लिख देना कि सिंस AB + BA डिवाइडेड बाय 11 विच इज इक्वल्स टू A + B। ये लिखना है, तो ये हम एक सम में दिखाया है, हर सम में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, एक सम में दिखाया है, हर सम में नहीं दिखाएंगे, तो ऐसा टाइप का लिखना है। ये सब मन से कुछ भी लिखना, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि मन से मन में जो आए वही लिख दो, ऐसा नहीं। हम जैसे लिखा है ऐसे तुमको आंसर लिखना है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं। थोड़ा सा अगर तुम बोलोगे कि सर ये हम पहले लिख दिया तो ये बाद में, ये फिर लिखा कि ये बाद में लिखा, तो उल्टा पुल्टा हो जा सकता है। तुम एकदम डायरेक्टली स्टार्टिंग में भी ये लाइन लिख सकते हो, ये वाला लाइन। ठीक है, मतलब वो हम जो वो फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी लिख दो। एज वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी व्हेन AB + BA इज डिवाइडेड बाय 11 द क्वोशेंट इक्वल्स टू A + B। तो फिर लिखे हियर A = 7, B = 3, so that AB = 73 and BA = 37, so as we can get 73 + 37 = AB + BA। फिर अब ये लिख दो तो 7 + 3 = 10 is answer। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब जैसे भी सजा गुछा के तुम लोग लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि यही लिखना है, लेकिन टाइप ऐसा होगा, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारा आंसर में रहेगा, ये हम कहना चाहते हैं। समझ में आया कि इंफॉर्मेशन जो होगा यही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हो गया 1 का 1, अब 1 का 2 कैसे आएगा? वन का टू कर लो। 1 का 2 क्या है? देखो कि सेम ही दिया है, 10 से मल्टीप्लाई। 10 मतलब क्या है? 7 + 3 है कि नहीं? तो मतलब यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे, बस सिर्फ यही लिख रहा है कि एज वी नो, मतलब हम जैसे बताया ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो बस वही लिख रहे हैं कि हम लोगों को पता है कि AB + BA डिवाइडेड बाई A + B, तब क्वोशेंट क्या होता है? 11, मतलब वो सेकेंड वन देखो। व्हेन AB + BA इज डिवाइडेड बाई A + B, दैट मीन 7 + 3, दैट इज 10। ठीक है, 7 + 3 = 10, तो तब क्या आंसर आता है? 11। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 11 डायरेक्टली। तो वही लाइन लिख दो, द क्वोशेंट ऑफ AB + BA ब्रैकेट में लिख दो 73 + 37 व्हेन डिवाइडेड बाय A + B, दैट इज 10, इज 11। बस हो गया सर, समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी को कैसे यूटिलाइज करना है? बस ऐसे यूटिलाइज करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ 94 एंड 49 इज डिवाइडेड बाय 11, वही सेम टाइप का है 11 से, तो वही लिख दो। तो हम लोग को क्या पता है? AB + BA डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स टू A + B, क्या हम लोग को पता है? तो यहाँ पे क्या होगा? AB + BA जो है 94 + 49, ठीक है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो A + B, तो मतलब 94 जो है वो नंबर है, तो A + B या A + B किसी को भी ले सकते हो, तो 4 + 9, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13। तो ये हो जाएगा आंसर। अब जो है नंबर टू क्या है? वही सेम टाइप का है, 13। तो यहाँ पे 13 मतलब 13 नंबर नहीं है, क्या है? AB + BA
भाई ए प्लस बी, क्योंकि 9 प्लस 4 13, तो ए प्लस बी से करेगा तो क्या आएगा, 11 आता है हम लोग का आंसर, तो यहाँ पे भी 11 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 11 ही आंसर आएगा, तो वही लिख लेना कि ए प्लस बी मतलब 11, वही प्रॉपर्टी से ही डायरेक्टली आंसर बन जाएगा, ठीक है, वो नंबर वन प्रॉपर्टी से ही ये दो सम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में क्या है, फाइंड द क्वोशेंट व्हेन दिस माइनस दिस इज डिवाइडेड बाय 9, दिस माइनस दिस मतलब 7 माइनस 3। अब देखो हम लोग का नंबर टू, नंबर टू में क्या है, दो फॉर्मूला है, क्या क्या है, एक है ए ग्रेटर देन बी, दूसरा है बी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए मतलब फर्स्ट नंबर को ए ले लेना और दूसरा नंबर को बी ले लेना, ठीक है, ए बी माइनस बी ए बाई 9 करो तो क्या आता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए बाई 9 तो ए माइनस बी, तो ए बी बाई बी ए तो ए माइनस बी कर दो, तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो नंबर यहाँ पे क्या था 73 था, तो ए ये है, ये ए है, ये बी है, तो 7 माइनस 3 तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 विल बी द आंसर, समझ में आया। चलो नंबर टू देखते हैं, टू में क्या है, उसी का उल्टा है, देखो ए बी माइनस बी ए बाई ए माइनस बी होगा तो 9 होगा, बस ऐसे भी तुम कर सकते हो कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो वही 73 था, तो 73 में ए और बी ये था तो 9 आएगा, तो कुछ भी हो जाए यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि आंसर जो है 4 है, ठीक है, समझ में आया, बस वही तो आंसर ये हो गया 9, डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिख के ये आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फाइंड द क्वेश्चन जो वो सेम ही टाइप का है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो बी से बड़ा है, वहां पे भी वही था, ए जो है बी से बड़ा, तो वही कर दो, क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, यही वाला लॉजिक लग जाएगा कि ए बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो यहाँ पे नंबर क्या है 94 है, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बी, तो दोनों को माइनस कर दो, तो 9 माइनस 4 कितना होता है 5 विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब देखो ये हो गया वन, अब टू में हो, टू में जो है उसका ही उल्टा है, ठीक है, 4 माइनस 9 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, तो जो आया तो उसका उल्टा है, तो यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा क्या ए बी माइनस बी ए बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 9 है, तो ये प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा, तो आंसर वुड बी 9 इटसेल्फ, समझ में आया, तो ऐसे हम लोगों को प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, हम जो वो फोर्थ प्रॉपर्टी बताया था ना, वो फोर्थ प्रॉपर्टी से देखो यहाँ पे क्या है 527, पहले वो प्रॉपर्टी देख लो क्या था, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी में वो होता है ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इक्वल्स टू ये होता है, तो एंड में क्या है 37 × 3 × a + b + c, तो यहाँ पे देखो वही ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी दिया हुआ है, ठीक है, अब बताया है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 14, उस फॉर्मूला में बिठा दो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस वो दैट इज इक्वल्स टू, बस वही लिख देना कि 527 + 752 + 275 जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये हम लोग का फॉर्मूला है 3 × 37 × a + b + c, तो 5 + 2 + 7, ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है देखो ये आ जाएगा 3 × 37, ये मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 14, तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14, समझ में आया, तो अब ये जो है ये प्रूव हो गया, बस प्रॉपर्टी से तुमको प्रूव करना और कुछ नहीं, तो ये प्रूव हो गया, अब नीचे लिख दो कि हेंस 527 + 752 + 275 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 14, समझ में आया, बस यही करना था, ठीक है, कि a इक्वल्स टू b, ठीक है, और ए बी सी इक्वल्स टू बी ए सी प्रूव करना है, तो हम लोग यहां से ये क्या लिख सकते हैं ए बी सी माइनस बी ए सी इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, इसको इधर लिख क्या है, अब क्या करेंगे ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, अब बी ए सी का वैल्यू निकालेंगे, अब दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है,
तो ए बी सी का वैल्यू ये है, बी ए सी का वैल्यू ये है। अब ए का वैल्यू जो दिया था सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, तो ए बी सी क्या बनेगा, 100 इंटू ए का वैल्यू बी है, तो 100 बी प्लस 10 बी प्लस सी, यहाँ पे बी ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 बी प्लस 10 बी प्लस सी, बस ए का जगह बी बिठा दिया क्योंकि वही था मेरा क्वेश्चन में। अब क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू आ गया, बी ए सी का वैल्यू आ गया, अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग ए बी सी एंड बी ए सी क्या हो जाएगा, 100 बी प्लस 10 बी प्लस सी माइनस 100 बी प्लस 10 बी प्लस सी, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये साइड का साइन सब चेंज हो जाएगा, तो 100 बी प्लस 10 बी प्लस सी माइनस 100 बी माइनस 10 बी माइनस सी। अब देखो ये ऑटोमेटिकली सब कट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जब कट हो जाता है तो क्या रहता है, जीरो, तो प्रूव्ड। समझ में आया, कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन था, एबीसी का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू निकला, फिर बीएसी का ओरिजिनल वैल्यू हम लोग फाइंड किए, फिर ए का जो वैल्यू गिवन था ए इक्वल्स टू बी वो सब्सटीट्यूट कर दिया ये दो इक्वेशन में, और फिर सब्ट्रैक्ट करना था सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जीरो आया आंसर जो कि प्रूव्ड है। समझ में आया, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ना वो क्वेश्चन नंबर फोर की तरह है, ठीक है, एग्जैक्टली फोर की तरह। क्वेश्चन क्या है, ए ग्रेटर देन सी है तो शो करना है ए बी सी माइनस सी बी ए इक्वल्स टू 99 ए माइनस सी, तो क्या प्रूफ कर रहे हैं वो हम नहीं देखेंगे, बस देखना कि क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालो, सी बी ए का वैल्यू निकालो, अब माइनस कर दो, देखो प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। देखो सम्स कैसे कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन सी है, ठीक है, एंड वी नीड टू प्रूव दैट ए बी सी माइनस सी बी ए विच इज इक्वल टू 99 ए माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी का वैल्यू निकालो जैसे नंबर फोर में किए थे, तो ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी हो जाएगा। अब सी बी ए का वैल्यू क्या होगा, 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए, ठीक है, समझ में आया। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए बताया, क्वेश्चन नहीं बता दिया कि क्या करना है, अब सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, अब वो लाइन लिखना है कि सब्ट्रैक्टिंग ए बी सी या फिर कुछ भी कुछ लिखना है यहाँ पे लाइन कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट, तो क्या होगा, ए बी सी माइनस सी बी ए, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी माइनस ये भी आएगा 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 100 ए जैसा था ये फर्स्ट वन जैसा था वैसा ही रह जाएगा, नेक्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जा रहा है बाहर माइनस है, तो माइनस 100 सी माइनस 10 बी माइनस ए, ठीक है। अब देखो ये प्लस 10 बी ये माइनस 10 बी कट गया, ठीक है। अब देखो ये 100 ए है माइनस 1 है तो क्या होगा, 99 ए, यहाँ पे 100 सी माइनस सी तो क्या आएगा, माइनस 99 सी। समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब देखो 99 बस यहाँ से कॉमन ले लो, 99 कॉमन ले लिए तो ए माइनस सी, देखो यही प्रूफ करने के लिए चाहिए था, तो प्रूफ्ड। समझ में आया, कुछ नहीं है सब में, कुछ नहीं है, बस तुमको समझना है कि क्या करने के लिए बताया, और बस वैल्यूज निकाल के कर दो, हो जाएगा, वेरी इजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये दो भी एकदम सेम टाइप का है, ठीक है, एकदम सेम टाइप का, तो फिर ये हम नहीं कर रहे हैं, एकदम सेम टाइप का सम्स है, सी ए जो है सी ग्रेटर देन ए है, बस ये सब नहीं देखना है, बस तुमको सॉल्व करना है ऑटोमेटिकली, माइनस कर दो सी बी ए माइनस ए बी सी कर दो, देखो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब ए इक्वल्स टू सी जो है नंबर 9 जो एकदम एग्जैक्टली 4 की तरह है, एग्जैक्टली 4 की तरह, बस नंबर्स इधर उधर है, ठीक है, देखना वहां पे भी जीरो आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आंसर, ठीक है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं, तो 5 ए यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, मतलब 8 और 9 नहीं कर रहे हैं,
बहुत इजी है, बहुत इजी। यहाँ पे ना बस ये देख लेना कि किससे क्या माइनस करना है, ये नहीं देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब नहीं देखना है, ठीक है। देख लो तो अच्छा है, बस देखने के लिए वो बस है, ठीक है, तो ये कंडीशन है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो एबीसी माइनस सीबीए करना था ये सब में। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, सीबीए को पहले बिठाना है फिर माइनस एबीसी करना है, तो माइनस कर लो आंसर आ जाएगा, आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू 5B।